अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आपने इस्तेमाल करना है स्टॉक की प्रेडिक्शन के लिए। पहले मैं आपको स्टॉक की प्रेडिक्शन में, मेरा ख्याल है इसके ऊपर ही कहीं पे मौजूद है, जब हमने स्टॉक वैल्यूज को प्रेडिक्ट किया था बहुत पीछे अगर मैं जाऊं तो शायद आपको कहीं पे नजर आ जाए। I don't know, है या नहीं, शायद नहीं है। मैंने शायद probably not। चले मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि हमने पहले स्टॉक वैल्यू प्रेडिक्ट की थी, इस्तेमाल किया था हमने रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमने इस्तेमाल किया था। हमने किया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और हमने किया था मशीन लर्निंग। इसके ज़रिए हमने स्टॉक की वैल्यू हमने प्रिडिक्ट की थी कि ये एक स्टॉक की वैल्यू है, ठीक है। फिर इसको हमने जब लीनियर रिग्रेशन से हमने किया था तो हमने इसके ऊपर एक रिग्रेशन लाइन लगाई थी हमने, ठीक है, उसके ज़रिए हमने इसको प्रिडिक्ट किया था। अच्छा, उसके अंदर यही था कि ये आपका टाइम था, ठीक है, और ये आपकी प्राइस थी, ठीक है। और हमने यही किया था कि ये टाइम डेटा को लेकर तो हमने लीनियर रिग्रेशन हमने की थी, हमने ये नहीं देखा था कि इसका पिछले टाइम के साथ क्या ताल्लुक है। गो के हमने हिस्टोरिकल डेटा लिया था, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इनका आपस में ताल्लुक नहीं था एज सच। तो हमने इसको इस तरह किया था। फिर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जरिए इसको किया, जिसके ऊपर हमने आपको करके बताया कि जब आप डीप न्यूरल नेटवर्क लगाते हैं फिर कैसे करते हैं। अब इसके अंदर जो हम करेंगे, इस एग्जांपल के अंदर, ये जरा डिफरेंट है। ये वाली जो एग्जांपल है, ये इसकी इसको हम इस तरह करेंगे कि आपका ये एक स्टॉक वैल्यू है, ठीक है, ये आपका टाइम है, ठीक है, और ये आपकी प्राइस है, ठीक है, और आपकी एक स्टॉक वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, अब इस स्टॉक वैल्यू में जो हमने आरएनएन के जरिए हमने प्रेडिक्ट करना है यूजिंग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, इसके जरिए जो हमने प्रेडिक्ट करना है, तो मैंने ये कहा कि ये आपने इसको एज ए सिक्वेंशियल डेटा लेना है, सिक्वेंशियल डेटा लेना है। सिक्वेंशियल डेटा का मतलब ये होगा कि ये वाली जो वैल्यू है इसका तल्लक इस वैल्यू के साथ होगा, ये वाली जो वैल्यू है इसका तल्लक जो है वो इस वैल्यू के साथ होगा। यानी कि ये अगर आपने प्रेडिक्ट करनी है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, जो पहले ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये सारी पता होनी चाहिए, और इसका तल्लक हो, ये सीक्वेंस है और टाइम डिपेंडेंट है। ये अगर टाइम जो है वो आपका वो T1 है, यानी कि 10 AM है, और ये वाला जो टाइम है ये आपका T10 है, तो ये भी आपका 4 PM है। तो 4 PM पर जो वैल्यू है उसका डायरेक्ट तलक होगा जो 10 AM पर वैल्यू है। या अगर ये 2010 का स्टॉक है, ये 2020 का स्टॉक वैल्यू है, तो 2020 स्टॉक वैल्यू जो वैल्यू है उसका डायरेक्ट तलक 2020 से होगा। अगर 2010, 2011 या इनकी वैल्यू आप निकाल देंगे तो ये सीक्वेंस नहीं बनेगी, ये सीक्वेंशियल डेटा नहीं आपका बनेगा, ठीक है ना। यानी कि बन तो जाएगा लेकिन आपका वैल्यू वो उस तरह की, अगर मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी तो आपकी वैल्यू उस तरह नहीं, वो प्रेडिक्शन नहीं होगी। तो इस वैल्यू को, इस एग्जांपल को हम करेंगे। अच्छा, अब हम एक तो हम ये करेंगे कि हम इसको बनाएंगे, इसकी प्रेडिक्शन हम करेंगे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से, ठीक है। दूसरा हम इसके ऊपर करेंगे कि इसको हम
और वो CNN आपने किया था जिसके अंदर आपने डेटा जो था ना वो इमेजेस की फॉर्म में लिया था, ठीक है। अब हम मैं आपको इसके अंदर ये भी करके बताऊंगा कि ये सिक्वेंशियल जो है, ये वाली जो वैल्यूज हैं, इसको हमने CNN के जरिए, यानी कि इमेज रिकग्निशन जिसको आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जिसको आप बोलते, उसके जरिए भी करके बताऊंगा। वो उसको बोलते हैं 1D कॉन नेट, ठीक है। ये आपको करके बताऊंगा कि इसी डेटा को आपने 1D कॉनेट के जरिए, कि ना हमने 3D हमने करके बताया हुआ पहले चैप्टर में, और तीसरा मैं फिर आपको मैं हाइब्रिड मॉडल करके बताऊंगा, ठीक है। आप हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि ये RNN प्लस आपका 1D कॉन नेट, कॉन नेट, ये आपका हाइब्रिड मॉडल करके बताऊंगा। तो मैं फिर ये साबित करेंगे कि जो प्रेडिक्शन आपने करनी है जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से, और फिर जो आपने 1D की करनी है, इनमें क्या फर्क आएगा प्रेडिक्शन के अंदर, फिर हम इनको हाइब्रिड मॉडल बना के बताएंगे, दोनों को करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब हम हैंड्स ऑन की तरफ चलेंगे, आपको एग्जाम्पल्स के जरिए मैं करके बताऊंगा, उसके ऊपर गूगल कोल ऐप के ऊपर करके बताऊंगा, मैं स्टॉक वैल्यू पिक करूंगा, और अभी हम एप्पल का स्टॉक पिक करेंगे, ये सारी एक्सरसाइज करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आपने कोई और स्टॉक लेके उसको रिपीट करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम एप्पल का स्टॉक उठाएंगे, RNN उसके ऊपर करेंगे, फिर आपके उसके 1D कॉन्वर्ट नेट करेंगे, फिर हम उसको हाइब्रिड करेंगे। तो अगली वीडियोज में ये मैं आपको करके बताऊंगा, तो स्टे ट्यून। अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी होगी कि आपको पता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नेटवर्क कैसे चलता है, इमेज रिकग्निशन कैसी है, RNN का आपको बता दिया मैंने, और अब मैंने 1D कॉन नेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, हाइब्रिड मॉडल बताया। अब हम इसे एग्जाम्पल करेंगे, और इस एग्जाम्पल जब मुकम्मल हो जाएगी तो आपको फिर हैंड्स ऑन दूंगा, उसको आपने कल मुकम्मल करना होगा, तो ये वाला हमारा हिस्सा एक मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू।